हेलो एवरीवन, सीए विकास अमानी हियर। दोस्तों, विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ये साल आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेके आए, आपके सारे सपने पूरे हो और हर साल की भांति इस बार भी आपका रिजल्ट पॉजिटिव रहे। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये वीडियो क्यों बना रहे हो आप? दोस्तों, ये वीडियो बनाने का पर्पज है कि हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेटेजी बनानी है, और दूसरी बात, ये खाली उन बच्चों के लिए बनाया जा रहा है जो सीएस एग्जीक्यूटिव एग्जाम दे चुके हैं दिसंबर 2020 और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। क्योंकि कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि सर अब हम क्या करें, हमें क्या रिजल्ट का वेट करना चाहिए या हमें पढ़ाई चालू कर देनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में आप वो सारी स्ट्रेटेजी बनाने वाले हो, सारी बात समझने वाले हो जो हमें एक्चुअल में अप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चा अप्लाई करेगा वो आगे जाके गड़बड़ नहीं करेगा। तो आज के इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने दोस्तों को जो सीएस एग्जीक्यूटिव में है, ताकि वो भी ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। आओ जी, चालू करते हैं आज के वीडियो में कुछ खास बातें। दोस्तों, आपने सीएस एग्जीक्यूटिव एग्जाम दिया, राइट? कब दिया सर? ध्यान से सुनना, 2020 दिसंबर, राइट? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे जो बच्चे हैं, ये सारे कौन हैं? ये बच्चे हैं। इन बच्चों ने सीएस एग्जीक्यूटिव एग्जाम दिया। अब ये बच्चे चार कैटेगरी के हो सकते हैं। देखो ध्यान से, स्क्रीन पे देखो, चार प्रकार की कैटेगरी है, ऐसे बच्चे हो सकते हैं। एक बच्चा वो होगा जिन्होंने खाली एक ही ग्रुप दिया है, एक बच्चा वो होगा, कुछ बच्चे वो होंगे जिन्होंने बोथ ग्रुप दिए हैं और उनका पेपर बड़ा लाजवाब हुआ है। मतलब वो उनको खुद इंटरनल फीलिंग आ रही है कि सर हम लोग इस बार क्लियर कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन तीसरी कैटेगरी कौन है कि जिन्होंने बोथ ग्रुप दिया तो सही, लेकिन उनका पेपर अच्छा, उनके पेपर अच्छे नहीं हुए हैं। सर पेपर अच्छे नहीं हुए मतलब या तो एवरेज हुए हैं या उनको खुद को पता है कि भाई साहब पेपर में गड़बड़ हो गई है। और पेपर गड़बड़ होना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों इंडिया लेवल के एग्जाम है, कई बार अपने पेपर फेवर में नहीं पड़ता तो ऐसी सिचुएशन में अपना पेपर बिगड़ जाता है। तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको खाली एक पॉजिटिव माइंड के साथ ये शेयर कर रहा हूं। मेरा पर्पज ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके दिमाग में कुछ नेगेटिविटी क्रिएट हो, लेकिन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना जल्दी समझ जाओगे उतना ही आगे बढ़ पाओगे। और चौथी कैटेगरी कौन सी है? सर ऑप्ट आउट कर लिया। इस कैटेगरी में तो इस बार बहुत सारे बच्चे हैं जिन बच्चों ने ऑप्ट आउट ही कर लिया, सर हम एग्जाम दे ही नहीं रहे हैं। कोई बात नहीं है, बहुत कुछ रीजन हो सकते हैं, लेकिन बात यह आती है कि सर अब हमारी स्ट्रेटेजी के बारे में प्रकाश डालो। दोस्तों, पहली कैटेगरी का जो इंसान है ना, जो बच्चे हैं, वो बच्चे जिन्होंने मान लो फर्स्ट ग्रुप ही दिया है। अब जिन बच्चों ने फर्स्ट ग्रुप दिया है तो उन बच्चों के लिए अभी सेकंड ग्रुप बाकी है, और यहां पे जब सेकंड ग्रुप बाकी है बच्चों, तो ऐसी सिचुएशन में मैं आपके लिए एक सजेशन लेके आया हूं कि बच्चों एग्जाम के रिजल्ट का वेट मत करो। एग्जाम के रिजल्ट कब आएगा? सर 25 फेब को रिजल्ट आने वाला है, एक्सपेक्टेड डेट है। अब 25 फेब को रिजल्ट आएगा तो क्या सर हमें एग्जाम के रिजल्ट का वेट करना चाहिए क्या? मेरी पर्सनल राय है कि आपको वेट नहीं करना चाहिए। आपको देखो मस्ती हो गई भाई साहब, कुछ बच्चे तो क्या होते हैं, अब तो बोल रहे हैं हम तो मस्ती करेंगे। क्या चीज की मस्ती भाई, 3-4 दिन 5 दिन आपने मस्ती कर ली ना, मैक्सिमम 1 वीक आपने मस्ती कर ली, अब आ जाओ अपनी पढ़ाई पे लग जाओ, क्योंकि अभी आप सीएस बने नहीं हो, अभी तो बहुत सफर बाकी है। तो ऐसी सिचुएशन में आपके लिए टाइम इज मनी होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर 25 फेब तक अगर हमारा रिजल्ट आता है तो ऐसी सिचुएशन में हम खाली फर्स्ट ग्रुप देने वाले बच्चे हैं, तो सर हमें क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, आपका टारगेट होना चाहिए कि 25 फेब तक अगर आपका सेकंड ग्रुप जिसकी क्लासेज हो रखी है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको सेकंड ग्रुप की रिवीजन स्टार्ट कर देनी है। मतलब ये सर अभी हम क्यों करें, रिजल्ट के बाद कर लेंगे ना, क्या पता हमारा फर्स्ट ग्रुप क्लियर हो या नहीं हो। दोस्तों, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, इस 2 महीने में एक टारगेट बना लो अपना। सर क्या टारगेट बनाना है कि जैसे ही हमारा रिजल्ट आता है कि हम सेकंड ग्रुप की रिवीजन को कंप्लीट कर चुके होंगे। अब इससे क्या फायदा होगा, इससे पॉजिटिविटी क्रिएट होगी। अगर फर्स्ट ग्रुप क्लियर हो गया, इससे खुशी की बात कुछ हो ही नहीं सकती। बाय चांस
बाय चांस अगर आपका फर्स्ट ग्रुप क्लियर नहीं होता है, सर आप ऐसे कैसे बोल रहे हो हमारा क्लियर नहीं होगा, दोस्तों 100% रिजल्ट तो रहता नहीं है, आपको भी पता है। बट मैं ये नहीं बोल रहा अरे आपका आपका ग्रुप क्लियर हो, इससे अच्छी खुशी तो मुझे हो ही नहीं सकती है। बट हमें पॉजिटिव तरीके से सोच के चलना जरूरी है कि अगर हमारा फर्स्ट ग्रुप निकल गया तो खुशी की बात है, बाय चांस अगर फर्स्ट ग्रुप नहीं निकलता है तो इस 2 महीने में आपने सेकंड ग्रुप की रिवीजन कंप्लीट कर ली है और उसके बाद जब आप जून में एग्जाम दोगे तो आपके लिए फर्स्ट ग्रुप के लिए टाइम बच जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर कोई बच्चा इस 2 महीने को यूटिलाइज नहीं करता है तो उसमें क्या घटनाएं घटित हो सकती है। दोस्तों अगर फर्स्ट ग्रुप दिया उसका रिजल्ट बाय चांस नेगेटिव आ गया तो ऐसी सिचुएशन में आप बताओ फेब का रिजल्ट आएगा, मार्च से आप पढ़ाई चालू करोगे तो मार्च से जब आप पढ़ाई चालू करोगे तो मार्च अप्रैल और मई वापस कितने महीने बचे आपके पास, 3 महीने। क्या इस 3 महीने में आप 8 किताबें कंप्लीट कर पाओगे? सर दिल से आंसर आता है सर नहीं, 8 किताबें 3 महीने में लगता नहीं है कंप्लीट हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में आपके लिए जून वाले एग्जाम के लिए भी आप सोचोगे फर्स्ट ग्रुप दो या सेकंड ग्रुप। सबसे बड़ी गलती यही होती है कि बच्चा एग्जाम के रिजल्ट तक वेट करता है। दोस्तों आपको मैं लिटरली बता रहा हूं, आपको वेट नहीं करना है क्योंकि आपका एक ग्रुप आपने दे दिया, चलो आपका क्लियर भी हो गया, बहुत खुशी की बात है, लेकिन सेकंड ग्रुप की तैयारी का वेट क्यों कर रहे हो आप? गांव में या कॉलोनी में ऐसे क्यों बोल रहे हो कि भाई मेरा तो अब तो हम रिजल्ट का वेट करें? भाई रिजल्ट का वेट मत करो, सेकंड ग्रुप में आप लग जाओ, इससे आपका फायदा होने वाला है। राइट सर, चलो जी फर्स्ट इस कैटेगरी के इंसान बच्चों के बारे में तो आपने हमें बता दिया। अब क्वेश्चन आता है कि सर सेकंड कैटेगरी कौन सी है? ध्यान से सुनना, सेकंड कैटेगरी वो है जो बच्चे बोथ ग्रुप देके बैठे हैं और उनका रिजल्ट उनका जो क्या बोलते हैं पेपर अल्टीमेट गया है। अब पेपर अच्छा गया है, बोथ ग्रुप देके बैठे हैं, वो तो भाई मस्ती से खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, मजे कर रहे हैं। दोस्तों आपके लिए मैं एक स्ट्रेटेजी लेके आया हूं, आपको पढ़ाई को नहीं छोड़ना है। दोस्तों मैं मानता हूं आपके पेपर बहुत अल्टीमेट गए हैं, बहुत ही गजब के पेपर गए हैं, एग्री 100% एग्री, लेकिन दोस्तों मेरे को एक बात बताओ, क्या आप 1% आपको यह नहीं लगता कि बाय चांस, मैं ये नहीं बोल रहा आपका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आएगा, मैं एग्री 100% आप पास हो, लेकिन बाय चांस अगर आपका क्लियर नहीं हो पाता है बाय चांस, तो ऐसी सिचुएशन में आपको बताओ क्या करना चाहिए? आपको भी पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहिए। अब आप मेरे को बोलोगे सर ऐसे कैसे बात होती है, हमें तो पता है हम क्लियर कर लेंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। मतलब आप ये बोल रहे हो हमारे पेपर अच्छे चले गए तो भी हम पढ़ाई करें? दोस्तों मैं आपको क्या बोलना चाहता हूं कि आपको इन 2 महीने में वो सब्जेक्ट उठाने हैं जो आपके फाइनल में भी काम आए और आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी काम आए। सर हमें समझ में आ रहा है, मतलब जैसे आपको पढ़ाई छोड़नी नहीं है, जैसे सपोज करो आपने टैक्स उठा लिया, जैसे सपोज करो आपने लॉ उठा लिया, जैसे सपोज करो आपने एफएम उठा लिया, ये 3 सब्जेक्ट है ना, ये 3 सब्जेक्ट आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी काम आने वाले हैं और इसका कुछ ना कुछ दायरा फाइनल में भी है, जैसे टेक्स है, टेक्स तो फाइनल में भी है। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों आपको क्या करना चाहिए? आपको यह करना चाहिए कि भाई बोथ ग्रुप है, रिजल्ट अच्छा आया तो भी ये 3 सब्जेक्ट काम आएंगे, अपने कहीं ना कहीं काम आएंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में काम आएंगे, और ये टेक्स और लॉ जहां तक है फाइनल में भी काम आता है, और 3 सब्जेक्ट उठा लो। इससे क्या होगा कि 1% ये मान के चलो कि हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो ऐसी सिचुएशन में अगले 3 महीने में तो भाई साहब 3 सब्जेक्ट तो अपने तैयार है, बचे कितने 5 सब्जेक्ट। राइट, क्योंकि क्या होता है पेपर अच्छे गए हैं लेकिन आप मेरे को 100% ठप्पा लगा के बता दो कि मैं तो क्लियर हूं, और मैं हमेशा आपको ये बोलता हूं कि भाई कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि भाई मैं क्लियर हूं, लेकिन इस 2 महीने में अगर आपको 100% कॉन्फिडेंस है फिर भी ये 3 सब्जेक्ट उठा लो, जिससे आपको आगे भी फायदा होगा क्योंकि टेक्स्ट को जितनी बार पढ़ोगे उतना मजा है, लो एफएम ये प्रैक्टिकल लाइफ के सब्जेक्ट है।
तो ऐसी सिचुएशन में इसको छोड़ना मत, इससे क्या होगा, रिजल्ट आएगा तब तक तीन सब्जेक्ट के लिए आप एकदम 100% तैयार हो। क्लियर है? ओके जी सर, तीसरी कैटेगरी कौन सी आती है दोस्तों? तीसरी कैटेगरी आती है जिनके जिन्होंने पेपर तो बहुत गुड दिया लेकिन उनके पेपर अच्छे नहीं हुए, उनको पता है। और एक बात आपको लिटरली बताऊं, आपको जिस दिन एग्जाम दिए उस दिन भी पता है कि हमारा एग्जाम क्लियर होने वाला है या नहीं है। रिजल्ट फैमिली वालों के लिए आता है, आस पड़ोस वालों के लिए आता है और जहां पे आप पढ़ते हो उनके लिए आता है। लेकिन आपको पहले ही पता है, मान लो आपका पेपर एकदम ही बेकार चला गया, एकदम ही अनफेवर आ गया और आपको पता है मेरे नंबर अच्छे नहीं आएंगे क्योंकि लक इतने नंबर का नहीं चलता। ऐसी सिचुएशन में भाई साहब अच्छा अच्छा बच्चा वो होता है जो चीज को एक्सेप्ट कर लेता है और आगे बढ़ता है। उसे पता है कि भाई साहब मेरे पेपर अच्छे नहीं हुए हैं, चांसेज है कि मेरा क्लियर होने का चांसेज बहुत कम है और अनक्लियर होने का चांसेज बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि मेरे पेपर ही फेवर में नहीं है या पेपर फेवर में नहीं है, बाई चांस अच्छे नहीं हुए। और देखो दोस्तों, इंडिया लेवल के एग्जाम है, अगर बाई चांस पेपर कोई बिगड़ जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी आप ब्रेंड हो, क्योंकि आप ऐसा कोर्स कर रहे हो जो आपकी रेप्यूटेशन क्रिएट करता है। तो ऐसी सिचुएशन में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप वापस लग जाओ और वापस पढ़ाई चालू कर दो। और अगले 2 महीने मतलब 25 फेब तक आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि 4 सब्जेक्ट तो मुझे एनी हाउ खत्म करने हैं, मतलब एक ग्रुप उठा लो या फर्स्ट ग्रुप या सेकेंड ग्रुप, 7 नंबर उठाना, एक ग्रुप उठा लो। और एक ग्रुप उठाने के बाद बताओ क्या करोगे, 28 फरवरी टारगेट कर लो, मतलब सॉरी 25 फरवरी टारगेट कर लो कि इस डेट तक मेरा एक ग्रुप 100% रिवीजन हो जाना चाहिए ताकि जब मेरा रिजल्ट आएगा तो उसके अगले 3 महीने में मैं बहुत अच्छे से स्ट्रेटेजी बना सकूं। अदरवाइज 8 किताबों की स्ट्रेटेजी बनाना और एक अगले 3 महीने में खाली 4 किताबों की स्ट्रेटेजी बनाना, आप खुद जान सकते हो कि आपके लिए क्या बेटर है। मैं तो खाली आपको गाइड कर सकता हूं, मैं ये नहीं बोल रहा मेरी बात मानो, लेकिन मैं आपको एनालिसिस करके बता रहा हूं कि बच्चा क्या गलती करता है। अब अगला, सर हमने तो ऑप्ट आउट कर लिया, तो ये वीडियो ऑप्ट आउट वाले बच्चों के लिए है, क्योंकि अगर ऑप्ट आउट कर लिया तो भाई साहब आपके लिए रिजल्ट का वेट ही नहीं है। पर अगर रिजल्ट का वेट नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में जैसे आप पढ़ रहे हो वैसे ही पढ़ो, आपने बहुत अच्छे से स्ट्रेटेजी बनाई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो बस आपको एक गाइड करना था कि भाई किस हिसाब से है। और एक बात आपको मैं बता रहा हूं, प्लीज आप रिजल्ट का वेट मत करो, अच्छे पेपर गए हैं तो मैंने आपको तरीका बता दिया, और अगर बाई चांस पेपर अच्छे नहीं हुए तो उसका भी तरीका बता दिया है। होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप इस चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करना आगे अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच।